एंड इधर पे ना लोगों को अजीब सा चुल है मैंने देखा। सो मंदिर शायद पहुंच ही गए हैं मंदिर के आसपास। नाउ आई एम क्रॉसिंग मयूराक्षी रिवर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मालदा टाउन। सो दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं कल आके रुका था इस होटल में। ये होटल वेदांता है, एक छोटा सा सिंपल सा रूम था, ठीक ठाक था। और अभी यहाँ से मैं जाऊँगा गौर एक मॉस्क है, प्लस वहाँ पे मतलब मालदा एक्चुअली फेमस है मॉस्क के लिए, यहाँ पे बहुत सारा मॉस्क है। तो मैं एक्चुअली खाली गौर पे जा रहा हूँ, थोड़ा गौर पे घूमेंगे और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा तारापीठ के लिए। तारापीठ का जो माता है वहाँ पे मैं जाऊँगा, थोड़ा प्रे करूँगा और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा आज बोलपुर के लिए। तो मैं फुल रेडी हो चुका हूँ, फुल सेट, बाइक मैंने लोड कर दिया और बाइक मैं वार्म अप के लिए लगा के आ गया स्टार्ट पे। और मैं अभी बस रेडी होके, ये देखो ऐसे मैं रेडी होके अभी बस जैकेट लगाना है और निकल जाना है। सो चलो निकलते हैं और मिलते हैं बाइक पे। सो गाइस, मैं अभी खड़ा हूँ गौड़ के सामने। बहुत भटकने के बाद यार पहुँचा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ कब्र है और शायद मोहम्मद का कोई कब्र है, तो वही देखने के लिए जा रहा हूँ मैं। सो दिस इज़ द एंट्री गेट। अभी मैं निकल रहा हूँ तारापीठ के लिए। यह है मेरे लेफ्ट साइड में आम का बगान, मालदा का फेमस। हम ऐसे सारे बगान से जाते हैं। बहुत सारा बैरिकेड्स है यार, स्पीड मेंटेन नहीं हो रहा है यार। यहाँ पे लोगों का सही है, हाथ दिखा दिया और चल पड़ा। कौन है आगे पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पाप का रथ चल रहा है सबका। अरे भाई साहब, ट्रक वाले यार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ धुलियान और ये देखो मेरे सामने ट्रक चल रहा है। बहुत देर से ऐसे दो तीन ट्रक चल रहा था एंड इनके पीछे धूल का वेव, शायद आप दिख नहीं पाओगे पर धूल का वेव जो चल रहा था ना, देखने लायक था, कितना धूल उड़ा है यार। एंड इधर पे ना लोगों को अजीब सा चुल है मैंने देखा कि कोई भी अगर देखता है ना कि ऐसा कोई राइड कर रहा है तो अचानक से कहाँ से पता नहीं है ऐसे लोग आ जाते हैं रेस लगाने के लिए, जो आपको बार बार ओवरटेक करेगा, बार बार आपके पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा पीछे जाएगा, ऐसे ही करता रहता है। कल भी मेरे को दिखा ऐसा दो तीन नमूने, आज भी दिख रहा है। एंड पूरा रास्ते पे ना कुछ देर बाद ऐसा बैरिकेड आ रहा है तो इसके वजह से ना स्पीड बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो रहा है। 40-50-60 की स्पीड में जाना पड़ रहा है और लोगों का तो पूछो ही मत, कोई भी किधर से भी गुजरा है। तो सामने एक KTM ADV 320 है, उसमें कपल जा रहा है तो वो लोग ऐसे मेरे को थम्स अप दिया, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरा GoPro ऑफ था। दे थॉट कि मेरा GoPro ऑन है इसीलिए वो लोग मेरे को थम्स अप दिखाने के लिए स्लो हुआ था। ये कौन सा ब्रिज है भैया? ये भी एक खूबसूरत सा ब्रिज आया है। तीन ब्रिज है, एक आने जाने के लिए और एक रेल ट्रैक के लिए। अच्छा लग रहा है। तो मैं ऑफिशियली साउथ बंगाल में एंटर कर चुका हूँ। साउथ बंगाल के रोड पे भी मैं अपना हिमालयन भगा रहा हूँ।
एंड रोड दिखाया ऐसे टर्न हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन भैया बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट है यार। विंड ब्लास्ट की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। अरे यार, अरे यार, छोटे छोटे पत्थर से उड़ के आके लग रहा है हेलमेट पे। टू गाइज फ्रॉम अलीपुरद्वार, दे आर गोइंग समवेयर, शायद कोलकाता जा रहे हैं। WB70 नंबर दिखा तो मैं भी स्लो हो गया। आई डोंट नो व्हाट दे। एंड यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे राइट टर्न लेना पड़ेगा तारापीठ के लिए। सो सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट गया तो बरमपुर कोलकाता, कोलकाता 222 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लग रहा है यही वो टर्न है, यहाँ से मुझे रामपुरहाट घुसना पड़ेगा। कोई भी ट्रैफिक लाइट्स वगैरह कुछ नहीं है। सो गाइस फाइनली एंटरिंग रामपुरहाट एंड यही पे है तारापीठ। यहाँ से मोर 43 किलोमीटर टू गो, एक घंटा दिखा रहा है। वैसे रोड में कुछ खास तो नहीं है लेकिन रोड अच्छा लग रहा है, इसीलिए कैमरा चालू किया। और ये सेटिंग साउंड के साथ ना बहुत बढ़िया लग रहा है रोड। जस्ट हैव अ लुक। सिंगल लेन है, रोड चौड़ा है, लेकिन यार ट्रक्स बहुत परेशान कर रहे हैं। पूरे रास्ते पे ना ट्रक्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। चलो अभी जो है वो है, झेलना तो पड़ेगा ही। सो अभी टाइम हो रहा है 4:30 इन द आफ्टरनून और मैं रामपुरहाट में पहुंच चुका हूँ। ये पूरा रामपुरहाट का प्रॉपर टाउनशिप एरिया है एंड यहाँ से मोर 9.2 किलोमीटर दिखा रहे तारापीठ मंदिर। सो मंदिर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 5 बज जाएगा। सो पूजा तो नहीं करना है, वैसे ही माता का दर्शन करना है, थोड़ा प्रणाम करना है और फिर निकल जाना है बोलपुर के लिए। सो ये रहा तारापीठ का गेट। सो अभी और 2 किलोमीटर बाकी है। सो मंदिर शायद पहुँच ही गए हैं मंदिर के आसपास। और ये एरिया पे ना प्रॉपरली बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, होटल वगैरह है, तो रहने खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह शिट, साला मैं ट्रैफिक मान रहा था, साला कोई रेड लाइट मानता ही नहीं है। कट साला। না মন্দির কি এদিকে তো না দেখে চলে যাবো। আমাদের দোকান আছে, জুতো দুটো রাখবেন, প্রসাদটা নেবেন, ঠিক আছে? ঠাকুরমশাই আছে, ভালো মতো দর্শন করে দেবেন, খুশি মনে একটা দক্ষিণা দেবেন, কোনো টাকা পয়সা। सो फाइनली लिविंग रामपुरहाट। तारापीठ में पूजा देने के बाद थोड़ा खाना वाना खाया और अभी मैं निकल रहा हूँ टूवर्ड्स बोलपुर। सो बोलपुर है यहाँ से 59 किलोमीटर
और ये 59 किलोमीटर ऐसे रात के अंधेरे में मेरे को चलाना है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चलाना चाह रहा था, लेकिन हो गया लेट, कुछ नहीं कर सकते, पर इट्स ओके, जो करना था वो कर लिया, आराम से पूजा दे दिया, मन्नत मांग लिया। देखो पूजा का बात कर रहा था और सामने पूजा इंटरनेशनल दिख गया मेरे को। सो 59 किलोमीटर जाना है, 1 घंटा 32 मिनट। चलो देखते हैं, ये भी थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि हिमालयन का हेडलाइट का थ्रो कैसा है रात में। बट क्योंकि अननोन रोड है इसीलिए मैं ज़्यादा स्पीड करूँगा नहीं, 70-80 ही स्पीड रखूँगा मैक्सिमम। तो चलो चलते हैं और देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। ये गूगल मैप भी ना भैया बहुत कमीनी चीज़ है, साला रात को इंसान ऐसे ही डरता है और ये साला कहाँ कहाँ भटका रहा है मेरे को। मैं जिस रोड से आया उसी रोड के नीचे से एक ब्रिज था, ब्रिज के नीचे से रोड था बोलपुर जाने का, और गूगल मैप मेरे को वो टर्न दिखा रहा था 1 किलोमीटर दूर जाके फिर रिटर्न आके फिर उसी टर्न पे घुसना था। सोचो ये कोई मतलब हुआ, जब सिंगल लेन रोड है भाई तो मैं किसी साइड में टर्न ले सकता हूँ ना, लेफ्ट या राइट जो भी हो, इसीलिए मैं रात को अक्सर अनजान जगह पे नहीं जाता हूँ गूगल मैप के भरोसे, क्योंकि गूगल मैप मेरे को बहुत बार भटकाया है और ऐसे भटकने का एक्सपीरियंस है मेरे पास, इसलिए मुझे डर ही लगता है गूगल मैप पे, उतना कॉन्फिडेंट नहीं है गूगल मैप इंडिया में। तो चलो सो फार सो गुड, रोड तो मिल गया है, अभी चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू गूगल मैप 47 किलोमीटर। पता नहीं अचानक से इस रोड में कहाँ से इतना ट्रक आ गया, एक तो रोड नैरो है, ऊपर से यार इतना बड़ा बड़ा ट्रक जा रहा है और सब हाई बीम करके जा रहा है, इतना सारा लाइट जला के, और ऊपर से रोड में ना मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा पट्टी लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से ना जो राइड है वो बाउंस ही हो रहा है बहुत, तो बहुत परेशानी हो रहा है यार, क्योंकि सामने से जब लाइट पड़ रहा है ना, ये देखो सामने से लाइट पड़ रहा है ना, कुछ दिख नहीं रहा है, और मैं तो हाई बीम पे नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि मेरा हाई बीम से मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, हाई बीम बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है एंड रोड भी उतना अच्छा नहीं है। सो 40-50 का एवरेज स्पीड मैं मेंटेन कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इधर टाइम मेरा बढ़ते ही जा रहा है, 1 घंटा 14 मिनट दिखा रहा है अभी। नाउ आई एम क्रॉसिंग मयूराक्षी रिवर, देखो दोस्तों देखो, उधर से ट्रेन जा रहा है और ऐसे गाड़ी वाले बाइक वाले के लिए कोई प्रॉपर रोड नहीं है, ऐसा रोड बना के रखा है, इधर से ही जाना पड़ रहा है। सो राइट नाउ आई एम हियर इन साइथिया, ऐसे भटकते भटकते पता नहीं कहाँ कहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, अभी ये तो है साइथिया पहुँच गया मैं, अभी एज पर गूगल मैप किधर जाना है, इधर जाना है। पता नहीं किस गली किस मोहल्ले के अंदर से ये गूगल मैप मेरे को लेके जा रहा है, ये गूगल मैप का बाइक मोड ना भैया बहुत रिस्की होता है, कभी कभार तो ऐसा होता है कि लोग घर के अंदर से भी ले रोड दिखा देता है। इस रोड पे ये मेरे साइड पे ट्रेन चल रहा है, आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे को खुली आँख से बहुत मुश्किल से दिख रहा है, बट जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ इधर ट्रेन भी चल रहा है, मालगाड़ी चल रहा है इसीलिए कोई लाइट नहीं जल रहा है, लेकिन अचानक से अगर कोई ऐसे देखेगा ना तो डर ही जाएगा, भाई ये क्या चल रहा है। सो भैया बहुत सारे मशक्कत के बाद फाइनली पहुंच गए हैं बोलपुर, अभी मेरे को स्टेशन जाना है, वहाँ पे एक भाई का दोस्त है वो मेरे को होटल तक लेके जाएगा और उसने होटल प्री बुक कर भी दिया है, तो स्टेशन दिखा रहा है अभी 3.3 किलोमीटर। एंड सच बात बताओ
तो बोलपुर एंटर करने से पहले गाँव के अंदर से जो रोड था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे बोलपुर घुस रहे हैं टूटा फूटा रोड चालू हो गया, भयंकर वाला टूटा फूटा, और बीच बीच में बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा भी है। सो फाइनली यार बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है मुझे, क्योंकि बोलपुर आने का कब का चाहत था मेरा, बट मैं आ नहीं पाया कभी भी। फाइनली आज मैं बोलपुर पहुंच गया, ये भी एक अचीवमेंट कह लो। दिल खुश हो गया। पेट्रोल 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 डाल लेते हैं बाइक का, टंकी थोड़ा खाली है, टंकी 700 मीटर भैया, ये लास्ट का 3-4 किलोमीटर खत्म ही नहीं हो रहा है यार, पता नहीं से पतला पतला गली के अंदर से कहाँ लेके जा रहा है और कहाँ मैं जा रहा हूँ। कौन कॉल कर रहा है भैया? सो फाइनली बोलपुर स्टेशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे एक भाई आएगा, उससे मुलाकात करना है, एंड दिस इज़ द बोलपुर स्टेशन। चलो आए हैं तो घूम के जाएंगे, देख के जाते हैं एक बार बोलपुर शांति निकेतन।